विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं है, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं है, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।